यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तिरा वन यमुना तिरा वन जय राधामाधव कुंज भीहाधरा राधा। गोपी जनवल गिरीवर्धा आधी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन छा यमुना तीर वन छाधि जय राधा माधव कुंज बिहाधी जय राधा माधव कुंज बिहाधी भागवत महापुराण की शील की गौरु चंद्र भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदे 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 ओ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष कृष्णा वासुदेवाय देवकीनंदनाय नंदगोपकुमरा गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद भागवत के स्कंद क्रमांक एक अध्याय क्रमांक आठ अध्याय का शीर्षक महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा इसकी श्लोक संख्या है छत्तीस शुण्वंति गायती घृणंती अभीक्षण स्मरन्ति नन्दन्ति ततवेहितं जनः तोएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं, तावकं।, तावकं। भव प्रवाह परमं पदां भुजम् शृण्वन्ति गायन्ति घृणन्ति भिक्षनशः

स्मरण तिनन्दन तितवे हितम जनः तेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदां भुजम् वैष्णवी शुणवंती सुनते हैं गायंती कीर्तन करते हैं घृणती ग्रहण करते हैं अभीक्षणश निरंतर स्मरती स्मरण करते हैं नंदती हर्षित होते हैं तब आपकी कार्य कार्यकलापों को जन लोग पश्यन्ति देख सकते हैं अचिरेण शीघ्र ही तावकम चरण कमल अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरण भक्तिदान प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चाय अनुवाद हे hey कृष्ण जो आपके दिव्य कार्य कलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन पुनुराग, को रोकने वाले हैं तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके रावण हिरण्य कशिपू कम सजरासन तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे लेकिन मैं भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है सामान्यतया लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और दसवें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है क्योंकि भगवान परम अवस्था में हैं अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है लेकिन कभी कभी लोग अनग्रनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है अतएव भगवान की क्रीडाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करें इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद प्रतियोदाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान्जन शलाकया चक्षुरुनमिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण श्रीराध सह गण लिताशाखाता विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत भक्तिवेदातस्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे देश पाश्चातणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण क्रिष्ना चैतन्यनामिने गौर विषे नम हे कृष्णा करुणा सिंधुंदू जगत्पते गोपेश गोपिका का नमस्ते तप्त कांचन गौरा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी हरि प्रिये वाचाकू्युभ्य पतिता पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नम कृष्ण चैतन्य प्रभू निनंद श्री गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे मूक करोल पंगुम लंगाय ते गिरी तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिनम हरे कृष्ण तो मैं आप सबका कर स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के आठवें अध्याय के छत्तीसवें श्लोक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं एकदम खुशी में कुंती महारानी ये श्लोक कह रही हैं कि जैसे यूरेका यूरेका होता ना मुझे मैं बस खुद को मुझे कुछ समझा है और मैं सबको बताना चाहती हूँ सुणवंती घायंती घृणती अभिक्षण शह स्मरती नंदंती तवे हितम जना तयव पश्यंती अचिरेण तावकम भव प्रवाह परम वो कह रही है भवप्रवाह कैसे क्रॉस होगा ये कैसे पार कर पाएंगे हम भगवान के चरण कैसे प्राप्त कर पाएंगे चरणों का आ, आश्रय कैसे प्राप्त कर पाएंगे त एव केवल वो प्राप्त कर पाएंगे वो पश्यंती अचीर्ण और ज्यादा समय नहीं लगेगा इस मेथड में मैं बता रही हूं आपको कि शृणवंती गायंती घृणंती स्मरंती नंदंती पांच चीजें करनी पड़ेगी आपको ये पांच चीजें करने से हो जाएगा ये संसार तर जाएंगे और भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी तो उसके पहले पिछले श्लोक में कुंती महाराण ने कहा, कहा था भवेस्मिन ये भव सागर है ये संसार जो भव है भौतिक संसार है भवेश्मिन माना भगवान आप क्यों अवतार लेते हैं इस जगत में क्योंकि भवता भगवान के हृदय में बहुत कृपा है कृपा किस लिए है इस संसार में भवसागर में जो जीव फंसे हुए हैं इनको निकालना है ये भगवान की कृपा है तो भगवान आप आते क्यों हैं इनको निकालने के लिए तो आप तो आकर जाते हैं सिस्टम बना के जाते हैं क्या है ना भगवान आते हैं तो ठीक है पर बचे हुए समय क्या होगा वो कह रही थी श्रवण स्मरण अर्णी श्रवण करना स्मरण करना और अर्ण मतलब भगवान का आराधना करना ये पद्धति को आप देकर जाते हो भगवान किस लिए आते हैं बाकी इतने इतने कारण शास्त्रों में दिए हैं कुंती महारानी कहते केवल आप ऐसी सुंदर लीलाएं करते जो आपके जाने के बाद आपके भक्त श्रवण कर सकते हैं जिसका स्मरण कर सकते हैं आपकी आराधना कर सकते हैं भगवान अगर इस भवत सागर में आते हैं इस इस संसार में आते हैं तो केवल इन चीजों का यू नो तो और बिगिन ये सब शुरू करने के लिए आते हैं कि जीवों का उद्धार इससे होगा उद्धार जीवों का क्यों करना है उन्होंने कहा था क्लिश्य माना बहुत क्लेश है हा? इस संसार में बहुत क्लेश है प्रभुपात कहते हैं इस श्लोक के जो पैतीसवा श्लोक है इसके पहले का श्लोक प्रभुपात कहते हैं ये भौतिक जगत क्या है एक जेल के जैसा है और प्रभुपात कहते हैं, आप क्या, क्या जवाई नहीं है आपका बहुत अच्छा सत्कार करना चाहिए इधर पे, है ना, ऐसा बोलते कोई घर you know, nice be आप को जवाई नहीं है कि आपको बहुत अच्छा यू नो बाला प्रकृति ऐसा होता तो नहीं है ना तो आप जवाई नहीं है कि आपको बहुत खातिरदारी की जाएगी आपकी बहुत पिटाई होगी बोलते प्रभुपद भौतिक जगत में आया हो क्लेश है ये क्लेश का जगह है इस क्लेश से ये क्लेश क्यों है बोलते वो कुंती मारा ने कहा था अविद्या काम कर्म भी जब विद्या नहीं है जो अकल नहीं है बुद्धि नहीं है तो क्या करेगा काम करेगा है ना काम करेगा पाप करेगा तो फिर उसका फल भुगतना पड़ेगा तो अविद्या है अगर हा? या ज्ञान नहीं है तो कोई कहेगा अरे ज्ञान दे दो इसको इसका काम हो जाएगा उल्टी नहीं नहीं दैट इज नॉट द कनेक्शन कुंती महारानी ने निकालती ऐसा कनेक्शन अविद्या को विद्या दे दो काम हो जाएगा उल्टी नहीं जैसे अगर कोई कहेगा कि यू नो आग को हाथ लगाया तो जल गया तो इसको बता दो आग में हाथ मत डालो अगली बार से जलेगा नहीं सॉल्यूशन हो गया है ना तो वैसे इस समस्या क्या है मुक्ति अविद्या है तो उस उसके असली अविद्या क्या है ओरिजिनल शुरू किधर से हुआ था ये कृष्ण को भूल गए ये कृष्ण को जब तक कृष्ण के बारे में श्रवण नहीं करते कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं करते जब तक कृष्ण की आराधना नहीं करते तब तक ये अविद्या का रूट से सलूशन होना चाहिए है ना कोई हो किसी का नाक दुख रहा है किसी का कान दुख रहा है बोले एक ये दवाई ले लो इसके लिए एक दवाई ले लो पर एक रूट से बीमारी कैसी निकलेगी कुंती महारानी कहती है अविद्या जो है ना कृष्ण के बारे में जो कृष्ण को भूल गए वहां से सब कुछ शुरू हुआ तो क्या करना चाहिए अविद्या अविद्या के लिए विद्या कृष्ण को वापस कैसे कर पाएंगे स्मरण कर पाएंगे श्रवण ये करना है श्रवंती गायंती घृणंती अभिक्षण सह स्मती तवे हितम जना तो छत्तीसवें प्रभुपात ने जो क्लास दिया है उसमें प्रभुपात कहते हैं पांच चीजें कही हैं गायंती है स्मरंती नंदनती पांच चीजें हैं तो हम नंदंती पे फोकस करेंगे कि नंदनती का अर्थ क्या होता है हु? तो प्रभुपाद अपने एक अलग लेक्चर में इस नंदनती की नंदनती शब्द के ऊपर बोलते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं छत्तीसवें लेक्चर के लिए कि आप इनमें से कोई पांचों भी नहीं करना है कोई एक भी किया तो चल जाएगा इतना कृपा है भगवान का चलो केवल श्रवण करो केवल श्रवण करते रहो आपका उद्धार हो जाएगा प्रभुपात कहते आप कितने ही बड़े रास्कल हो प्रभपात बोलते हैं आप रास्कल है आपको संस्कृत भी नहीं आती आपको ग्रामर भी नहीं समझता आप सिर्फ बैठो और सुनते रहो बस और कुछ मत करो प्रभुपात कहते हैं मंदिर में आओ श्रीमद भागवत पे भगवत गीता पे क्लास हो रहा है आपको संस्कृत नहीं समझ आप सिर्फ बैठो और सुनते रहो तो बैठे और सुनते रहो इससे क्या क्या होगा कहते भक्ति क्या है और प्रतिहता है ये मंत्र इतने पावरफुल हैं भागवत के श्लोक भगवत गीता के श्लोक सुनते रहो आपका उद्धार हो जाएगा प्रभुपात कहते फिर बाकी प्रोसेसेस करने बाकी सारी पद्धतियां अगर इस्तेमाल करोगे तो कितनी बड़ी बात है प्रोपा उदाहरण देते परीक्षित महाराज केवल सात दिन गुरु के सामने बैठ के श्रवण करते रहे बस और जब मृत्यु आया परफेक्शन हो गया तो उदाहरण भी प्रोपा देते श्रृणुवंती केवल श्रवण करने से क्या होगा आपका काम हो जाएगा फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कौन थे बोल रहा हूं अभी नाम बोल रहा हूँ मदन मोहन मालवीय है ना तो ठीक है मैं कुछ और उदाहरण बताता हूं चलो आज उनका उदाहरण नहीं देता एक बार कुछ प्रोफेसर्स आए थे गौड़िया मठ में कलकत्ता में कुछ प्रोफेसर्स आए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और इनको कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा थी भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर से तो जब सिद्धांत ठाकुर मिले उनको प्रश्न पूछा तो भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर बोले चलो गार्डन में जाते हैं जो टेम्पल का गार्डन था वहां लेके गए उनको और वहां जो माली काम कर रहा था उस माली को बुलाया बोला इधर आओ बोला ये प्रोफेसर हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इनको कुछ प्रश्न पूछने हैं शास्त्र के ऊपर आप इनके उत्तर दो तो हिमाली तो कुछ नहीं देख रहा था ये जो प्रोफेसर थे इनको ही प्रश्न पड़ गया नहीं हमारे प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट है ये क्या उत्तर देगा आप सुनो तो आप प्रश्न पूछो बस और उस माली ने उत्तर देने शुरू कर दिए सारे उत्तर दिए परफेक्टली सैटिस्फाइड ये प्रोफेसर लोग इन्होंने माली को प्रश्न पूछा तुमको इतने शास्त्र कैसे पता है संस्कृत आती है कभी शास्त्र पढ़े बोला दोनों नहीं किया न संस्कृत नहीं आती न शास्त्र पढ़े फिर कैसे उत्तर आ गए बोलता मैं सिर्फ जाकर मैं सिर्फ दो चीज जीवन में करता हूं उस माली ने उत्तर दिया मैं केवल जाके जब भी गुरु महाराज क्लास देते हैं टेम्पल हॉल में क्लास होता है मैं जाके बैठ जाता हूं श्रृणवंती मैं सुनता हूं और दूसरी चीज मुझको बोला है भगवान के लिए गार्डन में सेवा करो बस ये दो चीज मैं करता हूं मैं श्रवण करता हूं और गुरु ने जो मुझे सेवा दी है वो करता हूं बस बाकी कैसे आता है वो मुझे पता नहीं जो भी मैंने सुना उसको रिपीट कर दिया ये प्रोफेसर लोग चकित हो गए अरे पर कुंती बारानी क्या करिए केवल इतना करो शुणवंती गायंती घृणंती भक्ति में इतना शक्ति है भक्ति अप्रतिहता है कोई भी भौतिक कारण नहीं हो सकता कोई भी भौतिक चीज वस्तु समय कारण नहीं हो सकता जो भक्ति के बीच में आ सकता है भक्ति के बीच में आना कोई भी भौतिक कारण को संभव नहीं है प्रभुपाद ने कितने ही अमेरिकन यूरोपियन दिशा जिन्होंने कभी कृष्ण ये शब्द नहीं सुना था उनका भी उद्धार करके दिखाया और प्रभुपाद तो स्वयं कहते हैं कि मुझको तो इंग्लिश भी बराबर नहीं आती कोई बोलेगा उसी शास्त्रों को मैं इंग्लिश के माध्यम से दे रहा हूं कहते मेरी इंग्लिश भी टूटी फूटी है बोलते उसके बाद भी फर्क पड़ गया देखो पूरे जगत में जाकर जिसका कभी किसी को विश्वास नहीं हो सकता ऐसी चीज ने करके दिखाई किस किस का उद्धार हो गया देखिए है ना तो चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में थे तो वहां पे जो प्रकाश आनंद सरस्वती और जो मायावादी सन्यासी थे इनके हिसाब से भव प्रवाह कैसे क्रॉस किया जा सकता है संसार का क्लेश कैसे खत्म किया जा सकता है वो पूरी तरह से इस बात के निष्कर्ष में थे इसका निष्कर्ष था उनके पास ज्ञान से होगा मुक्ति प्राप्त कर चर्चा करना चाहिए हमको जब ये वेदांत सूत्र पे चर्चा होगा तब ये भाव बंधन कटेगा और ये सारे मायावादी सन्यासी क्या कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का भर्सना कर रहे थे कैसा सेंटिमेंटल सन्यासी है बाबा कहा ये वैष्णव के बीच बैठ के नाचता है गाता है सन्यास लिया है भारतीय संप्रदाय में हमारे साथ बैठना चाहिए आकर और हमारे साथ बैठ के शास्त्र चर्चा करनी चाहिए इससे क्या होगा जब चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए गए तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया मायावती संन्यासियों को उन्होंने कहा मेरे गुरु ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने मुझको कहा है कि केवल आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो गायंती सुणवंती का लिए मैंने उदाहरण दी अभी गायंती के लिए गायंती तो चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु ने अपने गुरु के बारे में क्या बताया आई जस्ट फिफ्टीन मिनट लाइफ इज सो शॉर्ट एंड टाइम इज तो उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा मेरे गुरु ने मुझको बता दिया है नाम बीनु कलिकाले नॉट दैट फर्स्ट फर्स्ट वॉट कम्स इज कृष्ण मंत्र होते संसार मोचन कृष्ण नाम हो पाबे कृष्ण मेरे गुरु ने मुझको बताया कृष्ण मंत्र हो केवल कृष्ण मंत्र का जप करो संसार मोचन ये संसार का मोचन हो जाएगा आपको कोई बड़े शास्त्र पढ़ना उसका कोई जरूरत ही नहीं है कृष्ण मंत्र होते हबे संसार मोचन कृष्ण नाम हो पावे कृष्ण चरण केवल कृष्ण के नाम का जब करो आप कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लोगे करते वेरी डिफिकल्ट मेड इजी भव सागर को पार करना कितने ही लोग कितनी ही चर्चाएं कर रहे हैं अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कुंती महारानी करे बहुत सिंपल कर दिया है भगवान ने आते ही इसलिए कि इन पद्धतियों को कैसे सामने रखा जाए बद्ध जीवों के सामने तो प्रोपाद कहते चैंटिंग सीम्स सिंपल बट येट इज डिसेप्टिव प्रोपाद बोलते हैं लगता है इतने से हो जाएगा बहुत भयंकर है संसार इसको तरना आसान नहीं हो जाएगा प्रोपाद कहते प्रोसेस हैज दैट पावर नाम बिनु कलिकाले नाही आर धर्म ईश्वर ने चैतन्य महाप्रभु को बताया था कि इस कलयुग में विशेषकर नाम बिनु कलिकाले आर नाही नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार सारनाम ऐ शास्त्र मर्म क्या है सारे शास्त्रों का मर्म क्या है केवल ये भगवान के नाम का जप यही यमराज ने जो महाजन है इन्होंने यमदूतों को समझाया था एतावा लोके धर्म पर स्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह यमराज ने भी यही समझाया था यमदूतों को अरे केवल भगवान का नाम जप करने से क्या होगा सारे धर्मों का पालन हो जाएगा आ, उसी को परीक्षित महाराज को बोलते हुए में, में, पूरे उपाख्यान में तस्मात संकीर्तन विष्णु जगन मंगलाम महताम कौरव्य विद्धि ऐकांतिक निष्कृतम वो कहते हैं ये सबसे पुण्यवान चीज करने लायक क्या है भगवान के नाम का जप और क्या करेगा जड़ से आपके पूरे पाप का हरण कर लेगा फिर चैतन्य महापुरु ने वो श्लोक बताया इन मायावादी सन्यासियों को जो उनके गुरु ने जब बताया था और प्रभुपाद अक्सर इस श्लोक को अपने हरे कृष्ण जप के बीच बीच में भी बोलते थे प्रोपद चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे क्रिष्ण, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे अचानक से श्लोक बोलते थे चलते चलते प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र जब बोल रहे सडनली प्रभुपाद वाला श्लोक बोलते थे कौन सा था वो जो ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया और जो चैतन्य महाप्रभु ने और सब मायावादी सन्यासियों को बताया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तीव वास्ती एव नास्ती था इस कलयुग में और कोई गति अगर आपको सदगति प्राप्त करनी है क्या है केवल भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम और कोई पद्धति नहीं है हुँ? तो हम इतने भाग्यवान हैं कि भगवान का नाम जो है श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं महावद न्याय है इन्होंने हमको दिया है लगता बड़ा सिंपल है लगता है सिंपल बट इट इज डिसेप्टिव पावरफुल येट सिंपल मोस्ट ब्लिसफुल मेड ईसी एंड मोस्ट ऑथेंटिक प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है आ? तो शुणवंती गायंती घृणंती स्वयं घृणन करते हैं स्मरण करते हैं आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस वन वर्ड एक शब्द पे आज फोकस करने की इच्छा थी नंदनती नंदनती का अर्थ क्या है अगर आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में देखेंगे टू टेक इन टेक प्लेजर इन नंदनती का अर्थ शिल कहते हैं, आप श्रवण चलो नहीं कर सकते गायंती आपसे होता नहीं घृणंती आपसे होता नहीं स्मरती होता नहीं एक चीज तो बोल सकते हैं। आप ये तो होना चाहिए पर इसमें भी हम लोग पीछे हो जाते हैं क्या है घृण नंदंती मतलब जब कोई भक्ति कर रहा हो और आप उसमें वेरी नाइस कितने अच्छे लोग है क्या अच्छी भक्ति इतना तो बोलो इतना तो करो टेक प्लेजर इन है ना इतना भी कर दिया ना आपने भव प्रवाह कट जाएगा बोलते कुंती महारानी केवल दूसरों के भक्ति करने का आप उसको अप्रिशिएट करो कितने अच्छा भक्त है कितनी अच्छी भक्ति करता है है ना और इसका उदाहरण कौन है स्वयं श्रीमती राधारानी जब कोई आकर कृष्ण को एक फूल अर्पण करते हैं है ना श्रीमती राधारानी क्या बोलती है इससे अच्छा कोई और भक्त नहीं है कृष्ण आपको इसको कृपा देनी ही चाहिए मेरे से भी अच्छा भक्त है ये देखिए ठंडी में सुबह सुबह उठकर आया है है ना कितने लोग सो रहे हैं देखो सेंटर में आया तो है ना बैठा है क्लास में थोड़ा नींद आ रही है लेकिन बैठा तो है तो कुंती महारानी क्या सॉरी राधा रानी सबसे अच्छा उदाहरण है इसका हर किसी की भक्ति के लिए वो क्या करती है नंदनती है ना पर हमारा प्रॉब्लम क्या है किसी दूसरे की भक्ति को देखकर हम क्या करते अरे कुछ नहीं ज्यादा डांस कर रहा है आज गुरु पूजा में पेट साफ हो गया होगा है ना पेट साफ आज सुबह सुबह डाइजेशन हो गया अच्छा हो गया थोड़ा इसलिए ज्यादा नाच रहा है मतलब किसी अरे कोई अच्छा डांस कर रहा है बोलो भाई कितना अच्छा डांस करते हो बोल दो उसको जाके कोई अच्छा कीर्तन करता है बोल गला साफ कर रहा है गला साफ हो गया थोड़ा कफ ज्यादा हो गया गला साफ कर रहा है और कुछ नहीं उसमें कैसा फॉल्ट फाइंडिंग करने का उसमें भी दोष दृष्टि करने का उसमें भी जाके उसको उसके खींचने का अरे अरे क्या तुम ये कल के बच्चे आ जा रहे दो चार साल में आए हमारे थोड़ा दस पंद्रह साल निकालो फिर बताएंगे हम आपको अरे भाई छोड़ दो अच्छा गुणगान करो किसी का पर हम लोग क्या करते दोष दृष्टि करते हैं दूसरे के भक्ति में मैं एक कहानी बताता हूं आपको एक बार एक राजा था इस राजा ने क्या किया इस राजा ने एक प्रीति भोज बुलाया और अपने राज्य के सारे ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सबको बढ़िया प्रसाद परोसा और जब ये ब्राह्मण प्रसाद खाने बैठे थे ऊपर से एक चील जा रहा था और इस चील के पैर में क्या था एक सांप था और इस सांप को सहन नहीं हो रहा था इतनी वेदना हो रही थी इस सांप अपने से क्या कर रहा करता जहर गिरा रहा था और ये जब जहर गिरा तो कहाँ गिरा एक ब्राह्मण के प्लेट में जाके गिरा और उसको पता नहीं उसने उसको खाया और वहीं उसका मृत्यु हो गया राजा को बड़ा शोक हो गया कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहा था किस प्रसाद खिला रहा था ये कहाँ पे जहर कैसे हो गया किसी को समझाने क्या हुआ पर अभी यमलोक में बैठ के यमराज और यमदूतों का मीटिंग चल रहा था ये गलती किसका है ये ब्राह्मण मरा कैसे राजा का गलती है कि वो चील का गलती है कि वो सांप का गलती है ये पाप जाएगा किसको इसके ऊपर सबका टेंशन चल रहा था ये पाप का भागीदार कौन बनेगा पर उतने में क्या हो गया उसी गांव के उसी राज्य के तरफ कुछ ब्राह्मण और आ रहे थे दूसरे राज्य से सुन के उस राजा के गुणगान सुनकर वो आ रहे थे उनको एक स्त्री मिली तो उन्होंने उस बूढ़ी स्त्री को पूछा हमको वो राजा वो राजा का महल किधर है बताओ हमको उसको जाके मिलना है तो बोली हां वो राजा क्या जो ब्राह्मण का जिसने ब्राह्मण का हत्या करने वाला राजा वो वही रहता है और यमराज ने क्या बोला सारा पाप इसके ऊपर डाल दो सोल्यूशन नहीं है ना सोल्यूशन नहीं है ना किसने हत्या की थी उस ब्राह्मण की पाप किसको जाना चाहिए इसको जाना चाहिए क्योंकि इसने दोष दृष्टि की अब कोई बोलेगा उस बूढ़ी ने बुढ़िया बूढ़ी स्त्री ने क्या किया उसने एक ही गलती किया दोष दृष्टि किया ये वो राजा ना जिसने ब्राह्म जो ब्राह्मण की हत्या किया यमराज ने बोला सारा पाप इसको जाना चाहिए सोचिए जब हम किसी की भक्ति में दोष दृष्टि करते हैं तो क्या होगा क्या करना चाहिए हमको अरे गुणगान करो भाई कोई अच्छा भक्ति कर रहा है कोई अच्छा कीर्तन करता है अच्छा नाम जप करता है अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसका गुणगान तो करो कुछ तुम नहीं कर सकते दोष दृष्टि तो मत करो उसको नीचे तो मत खींचो तो तो राजा इनोसेंट था क्योंकि वो तो क्या करना चाहता था केवल दान देना चाहता था वो चील क्या था वो अपना बिजी था अपना खाना के खाना पकड़ने के लिए सांप बेचारा उसको सहन नहीं हो रही थी पर हो रहा था सारा पाप किसको गया जिसने दोष सृष्टि की है ना हमको यह सोचना चाहिए अरे जीवन बहुत छोटा है बहुत छोटा है क्या इस जीवन में दूसरों की दृष्टि करो उससे अच्छा मैं श्रृणवंती गायंती घृणंती स्परंती करता हूं नहीं जमता तो एटलीस्ट नंदंती तो करो दूसरों का गुणगान तो करो आपको छठे स्कन में दिखेगा जब दीति को व्रत करने बोला था आ, आ, कश्यप मुनि ने व्रत करने को बोला था तो दीति के हृदय में बहुत बहुत ज्यादा क्या था एनवी था थी, मात् थी समय के साथ बुद्धि भी थोड़ा खत्म हो जाता है टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है तो दीति ने क्या किया इतना ऐसा हृदय होते हुए दीति ने भक्ति किया कश्यप के आदेश के अनुसार किया तो इसलिए दीति का उद्धार हो गया लेकिन प्रश्न उठता है आचार्य प्रश्न उठते हैं ये इंद्र का उद्धार कैसे हुआ ये इंद्र इंद्र ने ने क्या किया? केवल सब कुछ होने के बाद क्या कर दिया? इंद्र ने दीति का गुणगान किया। आपने बहुत अच्छी भक्ति की मैं मारना चाहता था आपके बच्चों को एक नहीं, ही उनतालीस हो गए पर मार नहीं पाया मेरा वज्र काम नहीं किया ये सब आपकी अच्छी भक्ति के कारण हुआ आचार्य कहते इंद्र का हृदय कैसे बदला केवल दीति का गुणगान करके वैसे तीसरे स्कंद में आता है गुणगान करने का महत्व प्रभुपात कहते हैं वैकुंठ एटमोस्फियर ये वैकुंठ का एटमोस्फियर क्या है इतने इतने सुंदर सुंदर सुगंधित फूल है वैकुंठ में पर जैसे ही इनको पता चलता है कि अरे तुलसी सामने आई है तो ये पीछे हो जाते हैं क्यों क्योंकि इन सबको पता है कि तुलसी ने तपस्या की है ना तपस्या करके भगवान भगवान को प्रसन्न किया है तुलसी भगवान को प्रिय है अच्छे अच्छे सुगंधित फूल पीछे हो जाते हैं तुलसी आप सामने जाओ क्या कर रहे हैं गुणगान कर रहे हैं तुलसी के भक्ति का इसलिए वो भी वैकुंठ में रह पा रहे केवल उनके सुगंध के कारण वैकुंठ में नहीं है वो वैकुंठ में रहने का उनका उनका गुणवत्ता क्या है वो तुलसी को सामने कर देते हैं क्योंकि अब ये किसको प्रसन्न कर रही है ये कृष्ण को प्रसन्न करती है तो ये पीछे हो जाते हैं तो वैकुंठ एटमोस्फियर क्या है

कृष्ण को प्रसन्न किया और बाकियों ने क्या किया बाकियों ने केवल तुलसी का गुणगान किया और पीछे सरक गए आप आगे जाओ है ना तो वैसे ही हम शिवद भागवत में देखते हैं नारद मुनि का उदाहरण देखते हैं नारद मुनि ने क्या किया प्रचेताओं को मिलने गए और प्रचेताओं को मिलते हुए किसका गुणगान किया ध्रुव महाराज की भक्ति का गुणगान किया अभी ध्रुव महाराज को भक्ति में किसने लगाया नारद मुनि ने लगाया पर नारद मुनि अपने शिष्य ध्रुव महाराज की भक्ति का गुणगान प्रच्छिताओं को कर रहे कोई बोलेगा अरे क्या ये गुणगान देखो ये हृदय होना चाहिए भक्त का ऐसे कि अगर कोई दूसरे भक्ति कर रहे हैं अच्छे से उसका गुणगान करो वही नारद मुनि अरे प्रहलाद तो असुरों के यहां पैदा हुआ था लेकिन युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद की भक्ति का गुणगान करते और वही प्रहलाद महाराज अपने इनको क्या बता रहे आ, प्रार्थना करते हुए नरसिंह देव को कहते नारद मुनि ने कृतवात्म साथ क्या किया अपने जैसा मुझको बना दिया है ना कभी कभी हमको जब बोला जाता है कि आपने ये चीज पढ़ी है अभी उस स्टूडेंट को भी पढ़ाइए आपको ये कला आती है किसी और को भी सिखाइए हमको क्या लगता है जितना मुझसे आता है उससे कम बताऊंगा सब कुछ मेरे से आगे निकल गया तो मेरे से आगे बढ़ गया तो प्रहलाद महाराज कहते नारद मुनि में ऐसा नहीं था उन्होंने मुझको अपने से अच्छा बनाने की कोशिश की मुझसे तो प्रभुपात कहते थे कि गुरु को प्रसन्नता क्या होनी चाहिए शिष्य मेरे से आगे बढ़ गया ये गुरु का नंदनती है ये गुरु का भक्ति का गुणगान कैसा है कि शिष्य आगे बढ़े तो चौथे स्कंद में गुरु महाराज के सेक्शन में प्रभुपात कहते इतना स्कॉन बनाया ये ग्रंथ लिखे इतना सब कुछ किया मैंने किस लिए किया है प्रभुपात कहते एक अगर जो इस में आने वाला अगर शुद्ध भक्त बन गया उसकी शुद्ध भक्ति के कारण मेरा उद्धार हो जाएगा सोचिए ये तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपात नंदनती इस प्रकार से अगर हम भक्ति करेंगे ना बड़ा श्रवण नहीं होता कीर्तन नहीं होता घृणंती गा, गायंती नहीं होता स्मरणती नहीं होता नंदनती बहुत आसान है केवल क्या करना है दूसरों के भक्ति का गुणगान करना है और अपनी ये जो ईर्ष्या दोष दृष्टि वाली बुद्धि है इसको पीछे रखना है तो आप देखते हैं कृष्ण कृष्ण ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जब माया दानव को माया दानव ने आके खांडव प्रस्त को आग वो खांडव को आग लगाई तो क्या हुआ माया दानव वहां रहता था और माया दानव को जब अग्नि एक तो अग्नि था और उसके ऊपर कृष्ण का सुदर्शन भी चल रहा था दोनों तरफ से उसको पता था भी मृत्यु है जाके मया दानव ने क्या किया अर्जुन का अर्जुन के चरणों को पकड़ लिया जब अर्जुन का शरण लिया तो अर्जुन ने बोला ठीक है मैं आपको दान देता हूं मया दान ने बोला आपके लिए क्या करूं बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर कृष्ण ने क्या बोला नहीं आप एक चीज करो युधिष्ठिर महाराज के लिए यहां पर इंद्रप्रस्थ बनाओ है ना तो आचार्य हमको बताते हैं कि आप अगर अपने को सीनियर समझते हो और आपके किसी जूनियर के सामने को कोई आए नया व्यक्ति और जूनियर आपसे कोई जूनियर है उसके जाके यू नो चरण पकड़े आशीर्वाद मांगे तो आपको क्या लगेगा अरे मैं बैठा हूँ इधर माला छोड़ू तेजा कड़े मुझको छोड़ू उसके पास कृष्ण ने क्या किया ये नहीं बोला अरे माया दानो मेरे पास आप अर्जुन के पैर का पकड़ता है अच्छा ये नंदन थी कृष्ण क्या किए कृष्ण अप्रिशिएटेड दट माया दानो टुक शेल्टर ऑफ अर्जुन कृष्णा डिवोटी कृष्ण ये नहीं बोले मेरे चरण पकड़ो कृष्ण बोले तुमने अर्जुन का शरण लिया कृष्ण बिकेम प्लीज बाय क्या होना चाहिए हमसे अगर कोई अच्छा भक्ति कर रहा है वह ईर्षा नहीं होनी चाहिए नंदनती होना चाहिए है ना कोई कोई अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है कोई अच्छा मंदिर में बहुत अच्छा सेवा हो रहा है बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है हमारे हृदय में अगर केवल उसका गुणगान भी है ना तो क्या होगा वाह पदाम भव प्रवाह निकल जाएगा इसको क्रॉस कर जाएंगे तो दसवें स्कंद दूसरे के दूसरे अध्याय के सैतीसवें श्लोक में ऐसा ही एक श्लोक है वो श्लोक में क्या आता है शुणव शुणवन घृणम संस्मरय चिंतम शुणवन घृणन संस्मरय चिंतम नामी च मंगला क्रियासु यार घृणन संस्मरण चिंतन क्या करना चाहिए नामानी रूपाणी मंगलाणी थे भगवान के सुंदर नाम रूप मंगल जो नाम है वो उनको क्रियासु य चरणार विंदयोर क्रियासु क्रियाशील होना चाहिए भगवान की भक्ति में भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए आविष्ट चेता जब आपके चित्त में आविष्ट हो जाएंगे भगवान न भवा य कल्पते फिर ये भव ये भव फिर से भव सागर में फिर से नहीं पड़ेंगे निकल जाएंगे पर वहां पर एक शब्द आता है शुणुवन यहां पे शुणुवंतीता गायंतीता घृणंतीता स्मरण ती था नंदनती था, 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 नंदन था वहां पर एक शब्द प्रोपत उसके ऊपर बोलते समस्मरण स्मरण मतलब स्मरण करना समस्मरण मतलब दूसरों को स्मरण करने में मदद करना इफ यू हेल्प अदर्स टू रिमेंबर कृष्णा अगर आप दूसरों को मदद करोगे कृष्ण को स्मरण करने में आपका भाव सागर कट जाएगा तो मैं ढूंढ रहा था इस शब्द के ऊपर प्रोपाद ने कुछ बोला है उधर पे प्रोपाद बहुत सुंदर चीज बोलते हैं प्रोपाद कहते हैं हमारा संस्था में हर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा है कहते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब दूसरों को कृष्ण की स्मरण करने में मदद करना केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर से भगवत धाम जा सकते हैं <laughs> so, समरण का अर्थ प्रपात के बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वट आर यू ट्राई वॉट शुड यू डू यू शुड ट्राई प्रपात लिखते हैं प्रैक्टिकल सर्विस टू द लॉर्ड इन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल आवर एक्टिविटीज आर कंसर्न अपॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण लिटरेचर प्रोपात कहते हैं हमारे सारे कार्य किसके ऊपर कैसे ये जो ग्रंथ है भागवत है भगवत गीता है इसका वितरण हो ये हम चाहते हैं हुँ? तो हम श्रवण कर रहे हैं हम कीर्तन कर रहे हैं विशेषकर दिसंबर के महीने प्रभुपात क्या चाहते थे हम सब बाहर जाए और देने का प्रयत्न यही श्रवण और कीर्तन को अगर दूसरे की मदद कर दी कि चलो तुम भी कर दो है ना और ये एक ग्रंथ को लेकर अगर किसी का शुद्ध कोई शुद्ध भक्त बन गया आपने भी धक्का लगाया था थोड़ा सा फायदा आपका भी हो जाएगा तो हमको क्या करना चाहिए हमको प्रचार के कार्य में लगना चाहिए पर क्या है क्या आप कभी कभी प्रचार भी गड़बड़ भाव से हो सकता है गलत भाव से हो सकता है ना इवन प्रीचिंग कैन बी आउट ऑफ एनवी है ना कभी कभी गुणगान हम लोग करते नहीं किसी की भक्ति का क्यों क्योंकि हृदय में ईर्ष्या है कभी कोई प्रचार भी गलत चीज के कारण कर सकते पता है क्या है? गलत क्या है एनवी कैसे हो सकता है अरे मुझको इतनी तपस्या करनी पड़ रही और ये लोग भौतिक भोग इतने भोग में लगे चलो अभी प्रचार करके इनको भी भक्ति में हूं <laughs> इसका मतलब क्या है आउट ऑफ एनवी तुम इतनी मजा ले रहे क्या हमको इतना सुबह सुबह उठ के जपा करना पड़ता है अभी भाई तेरे को भी फंसाता हूं आ जा इस भाव से जब हमको भक्ति भी नहीं करना है और इस भाव से प्रचार भी नहीं करना है और विशेषकर जब नए लोग आते हैं मंदिर में यह नहीं सोचना चाहिए कितनी भीड़ आ रही है क्या प्रसाद बचेगा कि नहीं पता नहीं <laughs> है ना बैठने को भी जगह नहीं है नंदन थी हमको प्रसन्न होना चाहिए कितने लोग भगवान के वापस ये जीव भगवान के चरणों में आ रहे वापस भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर रहे इतना देखकर भी भग, हमको खुशी होना चाहिए प्रसन्नता होनी चाहिए कितने ही भक्त जाके महाराज को ये प्रश्न पूछते महाराज वो दिन कितने अच्छे थे जब 100-200 भक्त होते थे यात्रा में कितना आराम से हम लोग गाड़ियों में बैठते थे प्रसाद होता था आपका अच्छे अच्छे घंटे आठ आठ घंटे के लेक्चर होते थे महाराज कितना अच्छा था महाराज अक्सर उसको ऐसा ही उत्तर देते हैं वो दिन अच्छे थे पर अभी और भी बहुत अच्छा है क्यों क्योंकि हम पांच भक्तों की सेवा कर पा रहे पांच हजार भक्त एक साथ कीर्तन कर पा रहे भक्त एक साथ धाम यात्रा कर पा रहे हैं। जितने ज्यादा भक्त साथ में आकर करें चैतन्य महाप्रु इस संकीर्तन को और प्रसन्न होते हैं और यह सब किस लिए करना था भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना था तो हमारा चित्त कैसा होना चाहिए वट इज द बैरोमीटर ऑफ अवर एडवांसमेंट एक समय के बाद हम कितना जप कर रहे हैं हम कितना कीर्तन कर रहे हैं स्वयं इससे एक ऊंचा बैरोमीटर है दूसरों के कीर्तन करने से दूसरों के भक्ति में आने से आपको कितना अच्छा लगता है ये द्वेष आपका कम हो गया वरना द्वेष कहाँ है ठीक है ना ज्यादा क्यों आ रहे पता नहीं बाबा क्यों इतना सेवा बढ़ जाता है इतना सब कुछ होता है जा कम लोग आए तो कम कुकिंग होगा बर्तन कम धोने पड़ेंगे <laughs> ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे कम मैनेजमेंट करना पड़ेगा द्वेष निकला हृदय से मतलब जितने लोग भगवान की भक्ति में जुड़े उतना हमको अच्छा लगना चाहिए तो मैं एक और सेक्शन चैतन्य चरतामृत का आज बोलना चाहता था समय नहीं बचा है पर आपको होमवर्क करके बोल के देता हूँ होमवर्क क्या है आप मध्य लीला का नौवा अध्याय पढ़िए उसमें विशेषकर तत्ववादी बोल के शब्दों को सर्च कीजिए चैतन्य महापुर जब उड़पी में थे तो वैष्णव के बीच में अभी मधवा संप्रदाय में है ना मधवाचार्य के आप जगह पे है पर चैतन्य महाप्रु ने क्या देखा यहाँ के जो सारे भक्त हैं अपनी वैष्णवता के ऊपर गर्व है इनमें क्यों एक तो मायावादी थे जो उस समय बहुत थे तो मधवाचार्य ने क्या किया तत्ववादी बनाए ऐसे शास्त्र निरूपण ऐसा शास्त्र सिखाया अपने भक्तों को तत्व सिखाया ये हमेशा क्या करते थे आर्ग्यूमेंट करते थे इनसे जाके मायावादियों को हराते थे तो ये तत्ववादी हैं मध्वाचार्य हम है, उसी के लाइन से हैं चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा पर गर्व बहुत हो गया इनको वैष्णव होने का गर्व है महाप्रभु को लगा अब ये गर्व खंडित करना चाहिए ये गर्व ठीक नहीं है तो विशेषकर वहां पर जाकर चैतन्य महाप्रभु उनके सन्यासी को पूछा जो मेन सन्यासी प्रोपत नाम लेते हैं आप पढ़ लीजिए महाप्रभु ने उनको पूछा साध्य क्या है द गोल एंड हाउ टू अचीव द गोल है ना साध्य क्या है और साधना क्या है तो वो सन्यासी ने क्या बोल दिया उनको उन्होंने बोला देखिए वर्णाश्रम क्या है वर्णाश्रम पद्धति का पालन करना साधना है और साध्य क्या है इस पद्धति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना यही है महाप्रभु ने इतने सारे शास्त्रों को कोट करते महाप्रभु अभी समय नहीं है मैं सब बता सकता था आपको और महाप्रूफ प्रूफ क्या करते केवल वर्णाश्रम और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत छोटी चीज है असली चीज क्या है श्रवण और कीर्तन करना जितना हम भगवान की श्रवण और कीर्तन की भक्ति में लगेंगे यही साधना है यही साध्य है जो कुंती महारानी कह रही है शुणवंती गायंती घृणंती अभीक्षण सह स्मरती तवे हितम तम अगर ये करेंगे तो क्या होगा तो एव केवल उसको प्राप्त होगा पश्यंती क्या करेंगे अचीर्ण ज्यादा समय नहीं लगेगा तावकम कृष्ण आपके चरणों को प्राप्त करेंगे और भव प्रवाह तो ऐसे ही कट जाएगा भव प्रवाह परम पदांबुजम और ये सारी नहीं कर सकते पांचों चीज नहीं कर सकते एक तो बहुत आसान है नंदंती दूसरे की भक्ति जब दूसरे भक्ति कर रहे अप्रिशिएट इटो तो। उनका टांग मत खींचो उनका उनको ईर्षा मत को। उनका गुणगान करो और सोचिए अगर दूसरे भक्ति कर रहे हैं और उसमें अगर गुणगान करना एक है उससे ऊपर की चीजें उसको मदद कर देना Let me help others. हम दूसरों को भक्ति करने में मदद कर दें कितना उसका उद्धार होना कितना निश्चित है बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद भागवत महापुराण की चाय शील प्रभुपाद की चाय गौर प्रेम हरि हरि बोल